चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी अभिनीत भोजपुरी मूवी नागदेव आखिरकार बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया और फिल्म रिलीज होते ही सभी सिनेमाघरों में फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। आपको बता दें कि नागदेव करीब 50 से ज्यादा सेंटर पर बिहार और झारखंड में रिलीज किया गया और सभी सेंटर पर फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन क्या रहा होगा। आपको बता दें कि नागदेव के फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है कि नागदेव ने पहले दिन बिहार और झारखंड से करीब 5 लाख से ऊपर की कमाई किया है। हालांकि आपको बता दें कि यह कलेक्शन ऑफिशियली नहीं है, यह सिर्फ सिनेमाघरों में भीड़ के आंकड़े से लगाया गया है। आपको बता दें कि नागदेव में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म में खेसारी लाल यादव नाग की भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो वहीं खेसारी के अपोजिट यानी कि काजल राघवानी नागिन के अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसकी केमिस्ट्री भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नागदेव नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर नागदेव जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको नागदेव में खेसारी और काजल राघवानी की एक्टिंग कैसी लगी।